प्रिय छात्रा कनेक्टेड इत्यस्मिन् भवताम भवती नांच स्वागतम। प्यारे बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रा भवताम सर्वेषां मित्राणि सन्ति, यानि मित्राणि अस्माकं सुखेषु दुःखेषु विपदि च अस्मान् उपदेशन्ति, तादृशानि हितकारिणी उपदेशवाक्यानि वयं श्रुणुमः। अन्यथा न श्रूयते चेदस्मारकं हितमपि भवित् मुहूर्ते। अद्यं वयं बांधवस्य उपदेशाश्रवणात् कुर्मस्य एकस्य का दशा जायते तद्विषये न्यासामि। तर्हि क उच्ये पठिष्यति पाठं मम। छात्राः, पुरा काले भारतदेशे अस्माकं मौर्यगुप्तशासकानां कच्चित् देश सुविख्यातः आसीत् मगधनाम्ना। तस्मिन् मगधदेशे फुलत्पलम् इति नाम्ना एकः सरोवरं जलाशयः वा आसीत्। तस्मिन् सरोवरे सङ्कटः विकटस्य इति नाम्नको द्वौ हंसौ वासं कुरुत स्म। तयो हंसयो तत्र कम्बुग्रीव इति नामक कच्चित् कुर्मं मित्रमासीत्। एकस्मिन् दिने तत्र केचन धीवरा मत्स्यग्राहक मत्स्यजीवनो वा आगन्तवन्त। ते परम्परम् उक्तवन्त यत् ते आगमिने दिवसे तत्र आगत्य मत्स्यानि कुर्मश्च सर्वान् मारयिष्यन्ति हरिष्यन्तीति। तेषां वचनं श्रुत्वा कुर्म स्वमित्राभ्यां हंसाभ्याम् उक्तवान् यत् मित्रे सङ्कटः विकटो भवन्तो मत्स्यजीवनां वार्तालापं श्रुतवन्तो वा? अधुना इदानीं मया किं कर्तव्यमिति? हंसो उक्तवन्तो यतः प्रातःकाले यदुचितं युक्तं वा भवति तदैव कर्तव्यमिति। कुर्मः तदा उक्तवान् यत् मा एवं कार्षिः एव प्रातःकालपर्यन्तं नैव स्थातव्यः, अधुना एव भिन्नमेकः हृदयं प्रति गन्तव्यं, पलायनं कर्तव्यमित्यर्थः। तदा हंसो कुर्मम् अवदतां यत् तदर्थं तौ किं कर्तुं शक्नुतु। तदा कुर्मम् उक्तवान् यत् सः अपि तौ परित्यज्य अन्यत्रं गन्तुं नेच्छन्ति, अतः एव सः अपि ताभ्यां सह आकाशमार्गेण उड्डय अन्यत्र अन्यं हृदयं वा गन्तुम् इच्छतीति। छात्रो, मगध नाम की एक देश में फुलत्फल नाम का एक जलाशय था। जलाशय में संकट और विकट नाम के दो हंस थे। उन दोनों के साथ कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। वह उन दोनों का मित्र था। एक दिन उस जलाशय के पास कुछ मछुआरे आए और आपस में कहने लगे कि हम लोग कल आकर मछलियों कछुआ आदि सभी को मार देंगे या पकड़ेंगे। उन लोगों की बातचीत सुनकर कछुआ संकट और विकट से कहने लगा, तुम दोनों ने मछुआरे की बातें सुनी है ना, अब मैं क्या करूं? दोनों हंस ने कहा, सुबह उठकर जो ठीक रहेगा वही करना पड़ेगा। तभी कछुए ने बोला, ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमें कुछ करना चाहिए, दूसरी किसी तालाब में चला जाता हूँ। दोनों हंस ने कहा कि उसके लिए हम दोनों क्या करें। कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ ही आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। प्रिय छात्रा, तपश्चात् हंसो कुमार्यम् अपृच्छयात् यतः सः तु उड्डयितुं नैव शक्नोति, तर्हि केन उपायेन ताभ्यां सह आकाशमार्गेण गन्तुं शक्नोति। तदा कश्यपः उपायं यच्छन् हंसाभ्यां वदति यद् भवन्तो कच्चिदेक काष्ठदण्डं स्वचुचाभ्यां धारयताम्, ततः काष्ठफलम् अवलब्ध्यम् आश्रियत वा पक्षबलेन सुखेन वायुमार्गेण युवाभ्यां सह अन्यं सरोवरं गमिष्यामि इति। हंसोम् अकथयतां यत् एतेन उपायेन तु गन्तुं शक्यते, परन्तु एका असुविधा दुविधा वापि अस्ति तत्र। एवं वयं गमिष्यामि चेत् मार्गे अस्मान् दृष्ट्वा पथिकां जना वा आलोचनां करिष्यन्ति। यदि भवान् तदा किमपि प्रत्युत्तरं दास्यति तर्हि उपतिष्यति मरिष्यते च, अतः एव भवान् अत्रैव तिष्ठतु। तदा कुर्मं क्रोधेन सह भूयं वदति यत् सः मूर्खसदृशं कार्यमिदं न करिष्यति इति। अतः एव तौ तं तद्वचनानुसारमेवं नयतामिति। फिर वह दोनों हंस कहते हैं कि वायु के मार्ग से हमारे साथ जाने के लिए तुम्हें उड़ना तो नहीं आता, तो फिर क्या उपाय है?
तब कछुआ बोलता है कि एक उपाय है, ऐसा करते हैं कि तुम दोनों अपने चोंच से एक लकड़ी के डंडे को पकड़ना और मैं उसमें बैठकर तुम दोनों के साथ वायु मार्ग से होते हुए दूसरे सरोवर को जाऊंगा। तब हंसों ने कहा कि उपाय तो ठीक है, लेकिन एक दुविधा है कि हम जब तुम्हें उठाकर ले जाएंगे तब लोग हमें देखकर कुछ बोल सकते हैं। तब तुमने अगर उनको उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यही रह जाओ। इस बात से गुस्से में आकर कछुए ने जवाब दिया कि वह मूर्ख नहीं है, वह कुछ भी उत्तर किसी को भी नहीं देगा, इसलिए जैसा उसने कहा वैसा करे। छात्राः एव रूपेण काष्ठदण्डमाश्रितः गच्छन्तं पूर्वं जनाः दृष्ट्वा तस्य पुष्टतः धावन्तम् आश्चर्येण उक्तवन्तं यतः हंसाभ्यां साकः क्वचित् कुर्मापि उड्डय गच्छति, क्वचित् अपरस्तु वदति यत् सः कुर्मं कथमापि अद्य पतति चेत् तदा तत्रैव पक्त्वा पाकं कृत्वा खादयति इति। पुनरोको परो अवदत् सरस्तीरे सरोवरस्य तटे एव अग्नम दद्वा खादिष्यति। अन्यश्च कथयत अवदत् यत् कुर्मं प्राप्तोमि चेत् सः तस्य गृहं नीत्वा भक्षयिष्यति खादिष्यति। तेषां तानि प्रकोपनीनानि क्रोधोद्दीपनानि वचनानि श्रुत्वा कुर्मं सरोष पूर्वं किमपि न कथिष्यामि इत्येव मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः जनानाम् उद्दिश्यम् अवदत् यत् यूयं मा खादितुं न शक्ष्यन्ति, यतः एव गत्वा भस्यं भूति वा खादत नाम प्रोणानां भाग्ये कुर्मो नास्ति अपि तु भोजनार्थं भस्म एव वर्तते इति। एवं स्वप्नप्रतिज्ञाम् अतिक्रान्तत्वात् अवलम्बित काष्ठदण्डकात् तदैव सः कच्छपः भूमौ न्यपतत, जनाः त्वं मारयित्वा खादितवत। इस प्रकार हंसों के चोंच में जकड़े हुए लकड़ी के सहारे उड़ने वाले कछुए को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं और दौड़ते हुए उसका पीछा करते हैं। कोई बोलता है कि अरे देखो हंसों के साथ कछुआ उड़ रहा है। दूसरा कोई कहता है कि यदि यह कछुआ कैसे भी अगर गिर जाए तो यही उसको पकाकर खाऊंगा। इसी प्रकार तीसरा कोई कहता है कि तालाब के तट पर ही कछुए को आग में सेक कर खाएंगे, तथैव कोई और बोलता है कि वह कछुआ को घर ले जाकर खाएगा। इन सब के इन उत्तेजक वाक्यों को सुनकर कुपित कछुआ बोलता है कि तुम लोग भस्म मतलब राखी खाओ। कहने का मतलब है कि कछुआ उनके नसीब में नहीं है, बल्कि सिर्फ राखी उनको खाने के लिए नसीब होगा। लेकिन इस प्रकार पथिकों की बातों को क्रोध के कारण उत्तर देकर कछुए ने अपने मित्रों को हंसों को दिए हुए वचन को तोड़ते ही नीचे गिर गया और लोगों ने उसे पकड़कर खा लिया। छात्राः अतः एवं उक्तं पंडिते यत् बांधवानां मित्राणां च ये हितं कामयन्ते तेषां वचनम् अस्माभिः अवश्यमेव श्रवणीयं तथा प्रवर्तितव्य च, सः तानि वचनानि न अभिनन्दति न आत्मसा कुरुते वा सः दुर्बुद्धिं दृष्टबुद्धि वा अस्याः कथाया कच्छप इव काष्ठात् स्खलितं बुद्ध्वा पतित्वा विनश्यति नाशभागः भवति अर्थः। अतः कथेयं यद्यपि सुखान्ता नास्ति तथा अपि अस्याः कथायाः सन्देशं महत्वपूर्णम्। बच्चों यद्यपि कथा के अंत में कछुओं की मृत्यु हो गई, लेकिन इस कथा से हमें ज़रूर यह एक सीख मिलती है कि लोगों को अपने हित या भला चाहने वाले मित्रों या बांधवों की बातें सुननी चाहिए। जो इस प्रकार उनकी नहीं सुनता, उनकी हित में कही हुई बात को जो नकार देता है, उसका भी कछुए की तरह पतन या विनाश निश्चित होता है। प्रिय छात्रा, पाठेस्मिन् अस्माभिः केचन नवीना शब्दा दृष्ट्वा तेषाम् अर्थान् पश्याम। सर तालाब पॉन्ड, कुर्म कच्छप कछुआ टर्टल, प्रतिवसति स्म रहता था वॉज लिविंग, धीवरा मछुआरे फिशरमैन, मत्स्यकुर्मादिन मछली कछुआ आदि को फिशेश
टर्टल एट्सेट्रा मारयिष्यामि मारेंगे शालकिल मैवम मा अधिक एवं ऐसा नहीं नॉट सो हृदयम तालाब को टू द पॉन्ड धारयताम धारण करे होल्ड पक्षबलेन पंखों के बल से विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स अपाय हानि हार्म नियमानम ले जाते हुए को बीइंग क्राइड अवलोक्य देखकर लुकिंग लंबमानम लटकते हुए को स्विंगिंग उड्डीयते उड़ा रहा है फ्लाइंग विस्मृत्य भूल कर फॉरगॉटिंग भस्म राख आशिष सुदाम मित्रों का के को ऑफ फ्रेंड्स हित का मानम कल्याण की इच्छा करने वाले का के की ऑल वेल विशर्स अभिनंदती प्रसन्नपूर्वक स्वीकार करता करती है वेलकम्स दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला क्रूक्ट। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। प्रश्न क हंसयोः नाम्नि के। प्रश्न ख हंसद्वयं कुर्मेण सह कुत्र निवसति। प्रश्न ग अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि इति क अवदत। प्रश्न ग कुर्मं पौराण किम् अवदत। प्रश्न ड अन्ते कुर्मस्य कीदृशी दशा जायते। छात्राः इमानि सन्ति उत्तराणि। उत्तर क हंसयो नाम्नि संकट विकटोस्त। उत्तर ख हंसद्वय कुर्मे न सह कुलत्फल नामके सरे निवसति स्म। उत्तर ग अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेन अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि इति कुर्म अवदत। उत्तर ख कुर्मं पौराण यूयं भस्म खादत इति अवदत। उत्तर ड अन्ते कुर्मं पौराणाम् उत्तरम् अददत् येन स अद निपतित तदा पौरे स मारित। अधोलिखित शब्दानां समानार्थका शब्द लिख्यन्ताम्। सरः कुर्म धीवरा अपायः। इमानि सन्ति उत्तराणि। सरः जलाशयः। कुर्म कश्चपः। धीवरा मत्स्यजीवनः। अपायः हानि। प्रिय छात्राः अद्यतन पाठोत्र समानोक्ति। आशासे यत् पाठोयं युष्मभ्यं रुचिकतरया अभासतेति। अद्यतन पाठस्य सन्देशं यूयं वगतवन्त तथा स्वहितेषिणां वाक्यं सदा श्रोषस्थेति मे विश्वासः। तदेव अस्माकं पाठ सफलं सार्थको वा भविष्यति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः।